नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का और एनालिसिस वीडियो में। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंडस टावर के ऊपर। इन डिटेल में हम लोग बात करेंगे, तो आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए हम लोग चार्ट के ऊपर डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम लोग इंडस टावर के ऊपर बात करेंगे, तो इंडस टावर में इससे पहले जो हम लोगों ने डिस्कशन किया था, उस टाइम में आपको 200 के लेवल इस स्टॉक ने यहाँ पे आपको ब्रेक डाउन दिया था। बट उसके बाद से अगर देखेंगे, स्टॉक में ज़्यादा बड़ा फॉल हुआ नहीं और उसके बाद से कंटिन्यूसली जो है स्टॉक एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। आज के सेशन में अगर देखेंगे, स्टॉक प्रीवियस 19 डेज के ट्रेडिंग सेशन के ऊपर ट्रेड कर रहा है। एक काफ़ी अच्छा जो है कंसोलिडेशन हुआ है प्रीवियस 19 ट्रेडिंग सेशन में, एक रेंज में स्टॉक यहाँ पर ट्रेड किया है और उसके बाद से स्टॉक में जो है एक अच्छा ब्रेकआउट आया है। अगर हम लोग यहाँ पे इन डिटेल में देखेंगे, तो स्टॉक जो है बिल्कुल एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। नीचे की साइड अगर हम लोग देखेंगे 194 का रेंज है, ऊपर की साइड 230 का रेंज है। 194 टू 230 के रेंज में स्टॉक जो है यहाँ पे आपको मार्च मंथ से ही ट्रेड कर रहा है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे जो है आपको 6 मंथ से स्टॉक इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। फाइनली अगर देखेंगे, लोअर चैनल के लेवल पे जो है स्टॉक ने यहाँ पे एक अच्छा कंसोलिडेशन किया है और कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट कर रहा है। तो इसका मतलब है जो इसका अगला टारगेट जो है वो आपको यहाँ पे 230 की तरफ हो जाएगा। अगर इनकेस यहाँ पे आपको ब्रेकडाउन देता है, तो फिर ब्रेकडाउन देने के बाद स्टॉक के पास नीचे की साइड 150 तक के मूव करने का एक अच्छा स्पेस है। बट यहाँ पे जो है स्टॉक में एक अच्छा कंसोलिडेशन हो रहा है। काफ़ी टाइम से स्टॉक एक ही प्लेस पे आपको रेजिलियंस शो कर रहा है, स्टॉक नीचे नहीं जा रहा है। तो अगर यहाँ पे एक आता है आपको इस लेवल के ऊपर, अगर आप लोग यहाँ पे पोजीशन बनाते हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे जो है आपको आने वाले दिनों में 230 का टारगेट मिल सकता है। और अगर एक बार 230 के लेवल के ऊपर स्टॉक निकल जाएगा, तो यहाँ पे जो है आपको एक बड़े लेवल पे यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल होगा। क्योंकि अगर हम लोग वीकली चार्ट पे देखेंगे, तो वीकली चार्ट पे ऑलरेडी स्टॉक जो है डाउन ट्रेंड में है। अगर डाउन ट्रेंड में आने के बाद स्टॉक एक कंसोलिडेशन जोन से निकलता है, तो फिर यहाँ पे जो है आपको एक अच्छा अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है, जो कि इस स्टॉक को आपको 300 की तरफ भी लेके जा सकता है। तो अभी की अगर चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, तो जैसा कि हम लोगों ने डेली चार्ट पे बात किया, स्टॉक यहाँ पे प्रीवियस 4 वीक के कंसोलिडेशन के लेवल के ऊपर कंटिन्यूसली ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया है। अभी वीक का 3rd ट्रेडिंग सेशन है, डेली चार्ट में ऑलरेडी ब्रेकआउट आ चुका है, लेकिन आज का सेशन क्लोज होने के बाद जो है वो आपको ब्रेकआउट कंफर्म हो जाएगा। एक स्टॉक एक अच्छे डाउन ट्रेंड में है, यहाँ पे क्लियरली अगर देखेंगे स्टॉक एक अच्छे डाउन ट्रेंड में है। यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ऑलरेडी ब्रेकआउट दे चुका है, ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पे रिटेस्ट कर रहा है। अगर यहाँ से स्टॉक बाउंस करता है और एक बार 230 के लेवल को क्रॉस कर जाता है, तो वापस से इस स्टॉक में एक जबरदस्त तेजी आ सकती है, जो कि इस स्टॉक को आपको 325 के लेवल तक लेके जा सकता है। तो आई होप आप लोगों को सभी लेवल्स जो है क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।